हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने वाले हैं और इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को दिखाने वाले हैं ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कारपेट पर पैर को रगड़ते हैं या फिर सर्दियों में रजाई ओढ़कर सोते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे बॉडी स्टैटिकली चार्ज हो जाता है। जब तक ना हम ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे बॉडी स्टैटिकली चार्ज ही रहता है। फिर जब सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं यानी ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब हमारा बॉडी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से 3D एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था, जिसको आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं और देखते हैं ये एक्चुअली में काम करता भी है या नहीं। तो अभी मैं प्लास्टिक के एक चेयर में बैठ गया हूँ, मेरा बॉडी टोटल इंसुलेटेड है यानी मैं ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। तो अभी एक दोस्त को बुलाते हैं जो ऊल के कपड़े से चेयर पे मारेगा जिससे मेरे बॉडी स्टैटिकली चार्ज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी ऊल के कपड़े से मेरे पीछे चेयर पर मार रहा है जिससे मेरे बॉडी स्टैटिकली चार्ज हो जाएंगे। कुछ देर मारने के बाद शायद मेरे बॉडी अभी स्टैटिकली चार्ज हो गए हैं। तो चलिए अभी किसी को टच करने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कैसा झटका लगता है। इसको हम एक बार ही ट्राई कर सकते हैं क्योंकि किसी को टच करने पर हमारे बॉडी से टोटली स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अब हमारा बॉडी स्टैटिकली चार्ज हो गया है। अब हम टेस्टर से चेक करते हैं पावर दिखाता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारा बॉडी अब स्टैटिकली चार्ज्ड है। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी इसे घर पे ट्राई किया ही होगा। तो ये कोई मैजिक नहीं था, ये एक साइंस था जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम आप लोगों को दिखा पाए। तो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।